ओ माय गॉड गाइस, जब इस टाइप का डॉग किसी ओपी का फादर होना यार उसे कौन परचेज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ऐसी क्वालिटी तो यार ढूंढने से भी बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन यार तुम्हारा भाई है ना, तुम लोगों के लिए एक से एक चीज लेकर आता है जो कि आप लोगों को किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी, और वो भी बहुत से डिसेंट से प्राइस में। और ये चीज आप लोगों को आज की वीडियो देखने के बाद पता लग जाएगा। तो अगर आप लोग भी ऐसी ऐसी गदर क्वालिटी परचेज करना चाहते हो ना, और वो भी बहुत से कम प्राइस में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को तो भाई ऑल पर कर लो, ताकि जितनी भी वीडियो डालूं सभी के अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिले। वैसे आई नो इस डॉग ब्रीड के बारे में इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि ये लैब्राडोर है, क्योंकि भाई ये ऑल टाइम फेवरेट डॉग ब्रीड है, और फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए इससे परफेक्ट डॉग ब्रीड कोई हो ही नहीं सकती। और जब क्वालिटी आप लोगों को इस टाइप की मिले ना, तो यार कौन छोड़ेगा ऐसे पपीज को। वैसे एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई आप लोगों को जितना जल्दी हो सके ना डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ओनर के पास ये लास्ट पपी ही अवेलेबल है। आप लोग इसका हेड साइज और मजल देखे यार, कितना ज्यादा हैवी है। तो पपी डिटो अपने फादर के ऊपर है। और गाइस एक चीज सुनकर आप में से काफी लोग निराश हो सकते हैं, और वो ये है कि जैसा कि बता चुका हूँ ओनर के पास सिंगल पपी है और ये फीमेल है, भाई मेल आप लोगों को इसमें नहीं मिल पाएगा। तो जिन लोगों की फीमेल की रिक्वायरमेंट थी ना, तो उस बंदे की तो भाई लॉटरी लग जाएगी। तो भाई लैब्राडोर का इतना लविंग नेचर होता है कि सभी को पसंद आते हैं, चाहे आप लोगों के फैमिली मेंबर्स हो या फिर आप लोगों के कोई नेबर्स। एंड गाइस लैब्राडोर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जिन्हें परचेज करने से पहले कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम लोग अपना फर्स्ट पेट लेने जाते हैं तो मन में इतनी सारी टेंशन होती है, इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें कौन सी डॉग ब्रीड परचेज करनी चाहिए। और भाई जब लोगों से अलग अलग सजेशन लेते हैं ना, तो हर कोई आप लोगों को अलग अलग डॉग ब्रीड सजेस्ट करेंगे, लेकिन भाई वो आप लोगों की पसंद नहीं बल्कि अपनी पसंद बताएंगे। तो भाई एक सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को फैमिली डॉग ब्रीड चाहिए ना, तो किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं, गो फॉर लैब्राडोर। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई ये फैमिली डॉग ब्रीड है, बल्कि इसमें आप लोगों को और भी इतनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो शायद दूसरी डॉग ब्रीड में ना मिले। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हद से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, और लैब्राडोर का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो भी काफी ब्यूटीफुल होता है। और गाइस एक चीज आप लोगों को बता दूं कि लैब्राडोर में जो शॉर्ट टेल वाले होते हैं ना, उन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर इस फीमेल की टेल शॉर्ट ही नहीं बल्कि काफी थिक भी है। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो ये फीमेल पपी ना, ये जस्ट 28 डेज की हुई है, तो ग्रोथ फीमेल की एक्सीलेंट है। तो जो लोग भी परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड है, तो मैं आप लोगों को इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आप लोगों को परचेज करते टाइम किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो एज तो मैं आप लोगों को इसकी ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, 28 डेज की हो चुकी है, एंड ओनर की जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। तो भाई वैसे तो अगर आप लोग डायरेक्ट जाना चाहो तो नो इशू, डायरेक्ट जाकर परचेज कर सकते हो, बट यहाँ पर आप लोगों के पास कोई चॉइसेस नहीं है। ओनर के पास एक ही पपी है, तो आप लोगों को यही परचेज करना है। तो आप लोग चाहो तो डिलीवरी ले सकते हैं, क्योंकि ओनर ऑफ कोर्स आप लोगों को ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन भाई उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड फाइनली अगर प्राइसिंग की बात करें, तो पपी काफी गोलू मोलू सी है और भाई काफी अच्छी क्वालिटी में, तो उन्हें जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो के जस्ट 12,000 पीस यानी 12,000 रुपए, बाकी प्राइस नेगोशिएबल है, बारगेनिंग भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को इसकी क्वालिटी और ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करके तो यार जरूर जाएं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, सो टेक केयर एंड बाय बाय।